किस तरह देखते हैं? देखिए, जो परिणाम आया है वो जाति गोलबंदी में विपक्ष सफल रहा, हम समझाने में असफल रहे, जिसके वजह से हमको हार मिली है, हार स्वीकार किए हैं और उस हार से हम सीख लेकर के जो कमी रह गई उसको दूर करने के लिए, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने 112 योजना लॉन्च किया, उस योजना का धरातल पे हम प्रचार नहीं कर पाए और उस योजना को जिसके लिए बनाई गई उनको हम दिलाने में अधिकारी भी लापरवाही किए हैं। और जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्देश यहाँ से जारी किया उस निर्देश का पालन संगठन भी बखूबी नहीं कर पाया और अधिकारी भी उसमें हिलावाली किए हैं, जिसकी वजह से ये खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो चूंकि 5 दल एक हुए थे और भारतीय जनता पार्टी अकेली थी, कहीं ना कहीं ये एक मामला रहा होगा। ये कटु सत्य है, जब 5 दल एक जगह इकट्ठा हुए हैं तो स्वाभाविक है कि उनके जाति गोलबंदी में वो सफल हुए हैं और जिसकी वजह से हम लोग हारे हैं। लेकिन आने वाला कल, ये देखिए, एक उपचुनाव था, उपचुनाव होता है प्रदेश का चुनाव और देश का चुनाव अलग अलग होता है। जब देश का चुनाव होगा तो उसी कैराना को आप देखिएगा, फिर हम लोग जीत के लिए। समाजवादी पार्टी चुनाव को बहुत बड़े पैमाने देख रही है, उनका कहना है कि ये जो चुनाव 19 का है उसको विश्व देख रही है। देखिए, 2017 मुड़ के जरा देख लें, 2017 में यही प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया था, कहां वो खड़े हैं उसको जरा झांक के देख लें। एक कैराना चुनाव जीत करके बहुत वो नई उपलब्धि हासिल कर लिए हैं। आने वाला जो कल है उनको समझ में आएगा, जिनका उन्होंने हिस्सा लूटा है सपा बसपा ने, जिन गरीब कमजोर लाचार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा लूटा है, उनको अब समझाने जा रहे हैं, उनको हम एहसास कराने जा रहे हैं, उनको हिस्सा देने जा रहे हैं। जब वो खड़ा होगा तो ये कहाँ खड़े होंगे पता नहीं लगेगा। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं कि आरक्षण बंटवारे को लेके, उसका पूरा क्या प्लानिंग क्या है उसकी? देखिए, पिछड़ी जाति के 27% रिजर्वेशन में 3 कैटेगरी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। पिछड़ी जाति में वो लोग हैं जिन लोगों ने हिस्सा अपनी आबादी से ज्यादा हासिल कर लिया, अति पिछड़ा में वो लोग हैं जिन लोगों ने अपनी आबादी से हिस्सा कम पाया है, सर्वाधिक पिछड़ा में वो लोग हैं जिनको आज तक हिस्सा नहीं मिला है, जब से आरक्षण 27% लागू हुआ 1990 से। तो जब उनको हम अलग करके उनको उनके बेटे को सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार लेखपाल बनाने की कवायद शुरू कर देंगे, जो भर्ती होगी उसमें भर्ती करने लगेंगे, तो फिर वो अपने आप जो ठगा हुआ महसूस करेंगे सपा बसपा कांग्रेस से, तब वो हम लोगों के साथ सहभागिता में बड़ी तेजी से खड़े हो जाएंगे। इनकी आबादी हर पार्लियामेंट में 38% है और कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है कि जिस पार्लियामेंट में इनका 6 लाख 7 लाख 8 लाख वोट अकेले है, और यही वोट देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को पुनः बनाएगा। तो क्या आपको लगता है कि आपकी मांग सरकार मानेगी? ये 6 महीना पहले लागू होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग रोहिणी कुलकर्णी के नेतृत्व में गठित हो गया है, वो 20 जून को रिपोर्ट देने जा रहा है, उसी आधार पे वो लागू होने जा रहा है और उसी को उत्तर प्रदेश में भी क्रियान्वयन में लिया जाना। तो आपकी रणनीति पूरी तरह सफल होगी? 100% सफल होगी, विपक्ष धराशाही होगा, हम लोग पुनः 2019 में सरकार देश में बनाएंगे और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे।